अच्छा ठीक है, मैं अपने पिचास से पूछता हूँ कि मामला क्या है। तो उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं जाते, इसको क्यों नहीं पकड़ते हो? तो वो कहता है जब इसके पास जाना चाहता हूँ ना उसी समय शरीर जलने लगता है मेरा, ऐसा लगता है आग लग जाएगी, इसलिए मैं जाता भी नहीं, इसको छूना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं ही भस्म हो जाऊंगा उसके पास जाकर। ओम श्री कालिकेय शुभदेवी सूर्यकूट निवासिनी रक्षमार्तमहामाय विश्वरूपे नमस्तुते। उसने बताया कि मैं माँ का भक्त हूँ और माँ के मंत्र का बीज मंत्र का जाप मैं करता हूँ। उनके गुरु ने कहा था माँ के बीज मंत्र का जाप करना, और माँ के बीज मंत्र का जाप उन्होंने करना शुरू कर दिया। 10 वर्ष तक बीज मंत्र का जाप किया था। साधक कहते हैं कि 10 वर्ष तक बीज मंत्र का जाप किया, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा नहीं लगा कि भगवान प्रसन्न हो गए हों, भगवान चले आए हों, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो किसी और से जब उनकी मुलाकात हुई तो किसी और गुरु ने कहा सुनो तो उस बीज मंत्र को छोड़ो, अब किसी दूसरे मंत्र को उन्होंने दिया, इसका जाप करना शुरू कर दो। लेकिन वो जो साधक था मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे गुरु के कहने पर उसने साधना करनी शुरू कर दी। अब वो जो दूसरा बीज मंत्र था वो भैरव बाबा का बीज मंत्र था, उसके लिए उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया। अब साधक लगातार कई महीनों तक जाप करता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपने दूसरे गुरु से जाकर मिलता है साधक और कहता है कि क्या बात है, मैं तो आपके अनुसार से मैं जाप कर रहा हूँ, कई महीने गुजर गए लेकिन जैसा आपने बताया था परिणाम मिलेगा वैसा तो कुछ मिला नहीं, कारण क्या है? क्या मेरी पूजा में कोई कमी है या कुछ और बात है? तो वो गुरु कहते हैं रुको मैं पता करता हूँ कि आखिर क्या बात है। तो गुरु ने जब पता किया, जब अपने भगवान को याद किया, तो उसके जब भगवान आए थे तो उन्होंने कहा कि सुनो जिस साधक को आपने मंत्र दिया है मेरे मंत्र का जाप करने के लिए, भैरव बाबा कहते हैं जिस साधक को मंत्र दिया है मैं उसके जाप से प्रसन्न तो हूं। तो फिर जो गुरु है वो कहता है कि तब वो आप उसको जाते क्यों नहीं, दर्शन क्यों नहीं देते हो? तो भैरव बाबा कहते हैं मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन 10 वर्ष तक वो माता रानी का जो जाप किया है ना उसके चारों तरफ ऐसी घेराबंदी हो गई है, ऐसी घेराबंदी तैयार हो गई है कि जब उस घेराबंदी में प्रवेश करना चाहता हूं तो लगता है मेरा तन बदन जलने लगता है, इसलिए मैं दूर ही खड़ा रहता हूं, मैं उसके पास नहीं जा पाता। तब उस इंसान को जब उस दूसरे गुरु ने समझाया तब उसे बात समझ में आई कि भगवान की भक्ति जो है कभी भी छाया नहीं जाती है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं तो अदृश्य रूप में हमेशा एक दीवार बनाकर खड़ी कर देते हैं, लेकिन भक्त को कहाँ दिखाई देता है, वो तो कोई और देखता है और कहता है उसके चारों तरफ ऐसी दीवार खड़ी हो गई है कि उस दीवार से कोई प्रवेश नहीं कर पाता है। तब वो भक्त कहते हैं कि मुझे उस दिन पता चला कि माँ का बीज मंत्र जो 10 वर्षों से जाप कर रहा था वो व्यर्थ नहीं जा रहा था, उससे माँ मेरी रक्षा करती थी, मेरे जीवन में कोई अशुभ घटना नहीं घटती थी, कोई दुखद घटनाएं नहीं घटती थी मेरी जिंदगी में, जहां जाता था सब शुभ ही शुभ रहता था, तो मुझे लगता था कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मुझे लगा कुछ चमत्कार घटित नहीं हो रहा है। लेकिन वो सामान्य जीवन को, सुरक्षित जीवन को जीना भी तो अपने आप में एक चमत्कार है ना। वो कहता है भक्त उस दिन मुझे समझ में आया कि भगवान की कैसे महिमा होती है, उस दिन से वो प्रसन्न होता है और कहता है बिल्कुल जिसमें जिसकी भक्ति है, अगर आप भगवान शिव शंभु की भक्ति कर रहे हो बहुत अच्छा है, जी भर के करो, डूब के करो, माँ पार्वती की तरह करो, अगर कृष्ण भगवान की पूजा करते हो जी भर के करो, अगर हनुमान जी की करते हो जी भर के उनकी भक्ति करो, माता रानी की करते हो जी भर के करो, शंका मत करना क्योंकि हमेशा अदृश्य रूप में भगवान आपके साथ रहते हैं, लेकिन बताते नहीं, बोलते नहीं है कि क्या कर रहे हो, लेकिन वो अपने सुरक्षा कवच में हमेशा आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। एक बार तो एक इंसान से एक तांत्रिक मिला और तांत्रिक कहता है सुनो तुम बहुत पूजा पाठ करते हो ना, एक हफ्ते के दिन मैं तुम्हारे ऊपर एक पिचास भेज दूंगा, सारी पूजा पाठ तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद सब आदमी कहता है चलो भगवान की मर्जी होगी तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। एक हफ्ते के बाद से फिर से उस इंसान की मुलाकात होती है और वो तांत्रिक कहता है कि कुछ हुआ था एक हफ्ते में तुम्हारे ऊपर? तो बोला कुछ भी नहीं हुआ, कोई रात में डरावने सपने आए? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो तांत्रिक कहता है अच्छा ठीक है मैं अपने पिचास से पूछता हूँ कि मामला क्या है। तो पिचास से जब वो पूछता है तांत्रिक
तो कहता है तांत्रिक कि मेरा पिशाच तो देखो मेरे ही ऊपर कंधे पे बैठा हुआ है, देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो कहता है नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। तो कह रहा है यही तो बैठा है। तो उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं जाते, इसको क्यों नहीं पकड़ते हो? तो वो कहता है जब इसके पास जाना चाहता हूं उसी समय शरीर जलने लगता है मेरा, ऐसा लगता है आग लग जाएगी, क्योंकि बड़ा भक्त है ना ये भगवान का, इसलिए मैं जाता भी नहीं, इसको छूना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं ही भस्म हो जाऊंगा उसके पास जाकर। ये अदृश्य रूप से एक खास तरह की आभा आपके चारों तरफ बन जाती है जिसका पता आपको नहीं चलता होगा, लेकिन ये होता है और सभी भक्तों के ऊपर होता है। आपके घर में अगर एक भी इंसान अगर भगवान की भक्ति करेगा ना, तो घर के परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर बराबरी से उसका प्रसाद मिलने लगेगा। क्यों ऐसा होगा? आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप मन को शुद्ध कर रहे हो, आप मन को पवित्र कर रहे हो, तो भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। अब अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं आपके घर में, जैसे आपका बेटा है, आपकी बेटी है, चाहे घर के दूसरे सदस्य हैं, पूजा अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो आपके जो भगवान है जो आपसे प्रसन्न हो रहे हैं, वो क्या चाहेंगे? कि इनके बच्चों को भी सुरक्षित रखो, इनके घर वालों को भी सुरक्षित रखो। क्यों? क्योंकि अगर घर वालों के साथ कुछ भी बुरा होगा तो ये विचलित हो जाएगा, जो मेरा भक्त है वो विचलित होगा, और जब ये विचलित होगा तो मेरी भक्ति नहीं करेगा। भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी भक्ति छोड़ो, भगवान कहेंगे इसकी भक्ति चलते रहे, इसलिए इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं इसको भी ठीक ठीक चलने दो, नहीं तो वो लोग अगर थोड़े से भी परेशान होंगे तो ये परेशान होगा, विचलित होगा। नतीजा ये होता है कि एक भक्त के कारण से सबको सुरक्षा भगवान देना शुरू कर देते हैं। ये अद्भुत घटना घटती है, सैकड़ों परिवारों में मैंने देखा है ये घटनाएं घट रही हैं और जिंदगी बदल रही है। एक के भाव से इतना बड़ा काम हुआ जहां सैकड़ों का कल्याण हो गया, जब सैकड़ों अपने भाव जगाएंगे तो लाखों का कल्याण हो जाएगा। तो ये करने की जरूरत है, ये यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले चरण में जो कार्य है वो अपने मन को शुद्ध करना है। देवी भागवत महापुराण की जो कथाएं हैं, शुद्धता की जो कथाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मन को शुद्ध करने के लिए सब कथाएं हैं। आपके घर में जब आप दिवाली मनाते हो, होली मनाते हो, जब दिवाली में आप अपने घर को सजाना चाहते हो, तो सजाने के पहले आप अपने घर की क्या करते हो? सीधा सजाने लगते हो या सफाई करते हो? पहले सफाई तब सजावट, और बिना सफाई के अगर सजावट करोगे तो लोग कहेंगे ये तो मूर्ख है। जैसे घर में बहुत गंदगी जमा है, कचरा जमा है, बदबू आ रही है, और ढेर सारा अगरबत्ती लेकर जला दो कि भाई अब खुशबू में बदल जाएगी, तो जब तक अगरबत्ती जलेगी तब तक तो खुशबू आएगी, लेकिन बाद में गंदगी तो फिर से बदबू तो आ ही जाएगी। तो भगवान क्या कहते हैं, पहले गंदगी को साफ करो और फिर खुशबू या सजावट का कार्य करो, फिर जिंदगी धन्य हो उठेगी। तो हमें भी जरूरत है, सबसे पहले जैसे हम घर के कमरों की सफाई पहले करते हैं, सजावट बाद में करते हैं, उसी तरीके से अपने कमरे की सफाई कब करेंगे? हमारा कमरा कहाँ है? कहाँ? यहाँ दिल में। ये मन रूपी जो कमरा है ना, इसको साफ करो। क्यों? क्रोध कहाँ है? वो कहाँ रहता है? इसी कमरे में। द्वेष कहाँ रहता है? इसी कमरे में। लोभ कहाँ रहता है? इसी कमरे में। दूसरे की टांग खींचकर नीचे कर दो। एक बाबूजी हैं, वो कहते हैं एक बार ऐसी बात हुई कि मेरे मोहल्ले में जब बिजली चली जाती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा हमेशा बुरा लगता है? तो नहीं, एक समय ज्यादा बुरा लगता है। कब? पूछा कि कब ज्यादा बुरा लगता है? तो कहते हैं मेरे अकेले घर की बिजली चली जाए तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन पड़ोसियों के घर में अगर बिजली रहती है तो ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन सबकी बिजली कट जाती है तो मुझे आनंद आने लगता है, चल मेरे साथ सब अंधेरे में रहेंगे। यानी इंसान की प्रकृति कैसी है, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे दुखी हो रहे हैं कि नहीं तब मजा आएगा, जब दूसरे भी दुखी हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। यानी मेरा बेटा अगर फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दूसरे का बेटा अगर फेल हो जाए तो ज्यादा आनंद आता है। ये अच्छी बात। ये क्या है? ये मन की गंदगी है। ये गंदगी दूर करती है भगवान से हमें। तो भगवान क्या कहते हैं, ये मन ही तुम्हारा मंदिर है और मन में ही तुमने सारे कचरे जमा करके रखे। अब बताओ, भगवान के मंदिर को आप साफ करोगे ना, शुद्ध करोगे, तब मूर्ति को बिठाओगे ना। अब भगवान के मंदिर में ही, मन रूपी मंदिर में ही ईर्ष्या है, द्वेष है, वासना है, क्रोध है, लोभ है, सब इसी में है, और इसी में भगवान को भी बिठा रखा। भगवान खुश होंगे कि दुखी होंगे? क्या करेंगे? रोएंगे कि हंसेंगे?
भगवान अगर कचरे में रहेंगे तो भगवान रोएंगे, दुखी होंगे। जब भगवान रोएंगे दुखी होंगे तो भक्त को भी दुखी होना पड़ जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, एक बार में एक ही काम करो ना, एक बार में एक ही काम करो। दूध के साथ अगर नींबू मिलाए तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, क्या होगा, फट जाएगा। तो क्या है जिंदगी, क्या कहती है, भगवान क्या कहते हैं, दूध रूपी पुण्य कार्य चाहे कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, थोड़ी भी अशुद्धता अगर उसमें डालोगे ना, कचरा डालोगे, तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। दूध तो ज्यादा है, नींबू तो कम है, लेकिन वो थोड़ी भी अशुद्धता, एक झोपड़ी बनाने में, घर बनाने में कितना समय लगता है, और छोटी सी माचिस की तिल्ली चाहे तो पूरे घर को भस्म करके, यानी नकारात्मक चीजें, अशुद्धता अगर थोड़ी सी भी आएगी ना, सब कुछ नष्ट कर देगी, जिंदगी भर की कमाई जो है वो बर्बाद कर डालेगी। तो भगवान क्या कहते हैं, इस मन रूपी मंदिर को सबसे पहले स्वच्छ करो। यहां जब इसको स्वच्छ करोगे, यहां की बदबू मिटेगी, यहां की बदबू मिटेगी और खुशबू आएगी, तब तो मैं स्वतः जग ही जाऊंगा, मैं जग जाऊंगा, फिर मुझे जगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर के आंगन में कचरा डालोगे, कचरा डालोगे तो कौन आएगा, मक्खियां आएंगी। आपके घर के आंगन में कचरा ज्यादा हो जाएगा तो मक्खियां आएंगी, और अगर आप घर के आंगन में फूल लगाओगे तो कौन आएगा, मधुमक्खियां आएंगी, तितलियां आएंगी, आएंगी ना। क्या कभी आप तितलियों को बुलाने गए, क्या आप कभी मक्खियों को बुलाने गए, कचरा डाल दो मक्खियां खींचे चली आएंगी, बिना निमंत्रण काट के, बिना बिन बुलाए मेहमान की तरह आएंगे, और जिस दिन फूल खिलाओगे उस दिन मधुमक्खियां उड़ते हुए, तितलियां उड़ते हुए चली आएंगी बिन बुलाए हुए। तो देवता है तितलियों के रूप में चले आते हैं जीवन में, और शैतान है, भूत पिशाच है, रोग है, दुख है, पीड़ा है, मक्खियों के रूप में चले आते हैं गंदगी के ऊपर। तो मन रूपी गंदगी, मन के अंदर इस आंगन में अगर गंदगी होगी तो आपके जीवन में दुख, संताप, पीड़ा, दरिद्रता, कमी और पराजय हमेशा अपने आप आते ही रहेंगे। और जिस दिन आपका मन पवित्र होते चलाएगा, उस दिन आपके जीवन में वरदान फलित होने लगेगा और जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए माँ आद्य भगवती की, वृंदावन दास जी महाराज की, भगवान शिव शंभु की, और आप सभी की।